मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ में हिंदी रीडर चैप्टर नंबर 7 फूल और कांटा के आपको क्वेश्चन आंसर राइट कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इसके एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग करा दिए थे, अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप अपनी अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ हैंड राइटिंग में इनको राइट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, फूल और कांटे के जन्म लेने में क्या समानता है? फूल और कांटे के जन्म लेने में क्या समानता है? उत्तर है, दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं और एक ही जगह पलते हैं। प्रश्न नंबर 2, फूल और कांटे फूल और कांटे के पालन पोषण में क्या समानता समानता है? उत्तर है, दोनों को चांदनी बारिश और हवाएं एक समान मिलती है। प्रश्न नंबर 3, फूल का व्यवहार किस प्रकार होता है? फूल का व्यवहार किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? तो उत्तर है, फूल सबको
अपना अनूठा रस दे पिलाता है। जैसे तितलियां जब फूल पर बैठती हैं तो तितलियां फूलों का रस पीती हैं, भौरे जो होते हैं भमरे वो फूलों पर बैठते हैं तो वो अपना रस पीते हैं। इस प्रकार फूल सबको अपना रस देता है। फूल की पत्तियों से हम जैसे गुलकंद वगैरह बनाते हैं, यानी फूल हमें मिठास देता है। प्रश्न नंबर 4, कांटे का व्यवहार किस प्रकार का होता है? कांटे का व्यवहार किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है, कांटे किस प्रकार के होते हैं? उत्तर है, कांटा उंगलियों को छेद देता है। छेद देता मतलब उंगलियों में कांटा चुभ जाता है। जैसे हम फूल वूल तोड़ते हैं तो हमारी उंगलियों में कांटे चुभ जाते हैं, तो इसलिए कांटा उंगलियों को छेद देता है। और कपड़ों को फाड़ देता है। कांटे में अगर कपड़े फंस जाएं तो हमारे कपड़े फट जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, फूल और कांटे का अंतर दिखाकर कवि हमें क्या समझाना चाहता है? उत्तर है, कवि समझाना चाहता है कि हमें फूल की तरह तरह बनना चाहिए, कांटे की तरह नहीं। समझ में आ गया बच्चों? हमें कभी कहना चाहता है, पर मैं समझाना चाहता है कि हमें फूल की तरह बनना चाहिए ताकि हम सबको रस वगैरह दे सकें और खुशियां दे सकें, ना कि कांटों की तरह कि उनको चुभोकर दुख दें। तो आपका आज का ये क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट। अब टुडेज होमवर्क, लर्न एंड राइट क्लास वर्क इन नोटबुक। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। बच्चों ये होमवर्क आपका चेक भी होगा, जिसको आपको अपने क्लास के ग्रुप में सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।